कानपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर आदित्य ने न केवल अपने शहर बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं कि कैसे एक किसान का बेटा बन गया विज्ञान का टॉपर। आदित्य के पिता एक साधारण किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और माँ जो घर संभालती हैं। आदित्य कहते हैं कि उनके माता पिता का संघर्ष और त्याग उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करता रहा है। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी दूध का काम। आगे का आपका क्या सपना है, आगे क्या करना? उच्च विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई में आदित्य ने हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। इंटरमीडिएट में उन्होंने 97.40% अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसे वह अपने माता पिता और गुरुजन को समर्पित करते हैं। हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। कैसे मेहनत करी थी, कैसे तैयारी करी थी? पढ़ाई करते समय मन को एकाग्र करके, पढ़ाई पर केंद्रित करके और इंटरनेट और ग्रुपिंग का यूज नहीं किया। पढ़ाई नियमित रूप से 8 से 10 घंटे हर महीने। आदित्य के पिता बताते हैं, हमने आदित्य की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी, हमेशा उसे बेहतरीन सुविधा दी। उनकी मां ने कहा, आदित्य की सफलता हमारे लिए गर्व की बात है, हम चाहते हैं कि वह आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करे। माता पिता का विशेष रूप से सहयोग रहा पढ़ाई करते समय और रात को भोजन के बुलाया करते। आदित्य अब भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। वो कहते हैं, मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं और नौसेना में अधिकारी बनकर अपने परिवार और देश का नाम रोशन करूं। उनकी ये इच्छा उनकी दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति को दर्शाता है। आगे हमारे देश की सेवा कर, इंडिया अफसर बनकर देश की सेवा करूं। आदित्य की कहानी हमें ये बताती है कि प्रतिकूलताओं के बावजूद हमारे सपने और मेहनत हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लोकल 18 कानपुर से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट।